पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लालकुआ में हुई देर रात बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिसे स्थानीय घरों में पानी घुस गया। देर रात हुई तेज बारिश से काशीपुर के लालकुआ क्षेत्र में पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से घरों से पानी निकालकर अपनी जान बचाई, लेकिन घरों में रखा सामान पानी में बह गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गनीमत रही कि बरसात के तेज बहाव में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश से प्रभावित इन गरीब परिवारों की सुध लेने कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रही मूसलाधार बरसात के बाद लालकुआ में यहाँ पर एक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और हम इस समय खड़े हैं रेलवे स्टेशन की पटरियों पर, जहाँ रात के 2:30 बजे हैं। और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन के जो यहाँ पर पटरियाँ हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। यहाँ पर तेज बहाव में पानी के आने के बाद यहाँ पर जो खड्डी मोहल्ले के निवासी हैं, लगभग यहाँ से 50 से 100 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि मजदूर के तबके के लोग हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर उनका सामान जो है घरेलू सामान है पूरी तरीके से बह चुका है। और उन्होंने एक दूसरे के मदद से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और अपने जान बचाने के बाद वो रोडों पे आकर अपना इस समय बसेरा कर रहे हैं। और यहाँ पर बताना चाहेंगे, हर साल की यहाँ पर बाढ़ आती है और यहाँ पर विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे यहाँ पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों के घरेलू सामान और कई चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से बह जाती हैं और ये बहाव में। लेकिन इसके लिए यहाँ पर कोई वैकल्पिक रूप से भी और स्थायी रूप से भी कोई व्यवस्था ना होने के चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सरकारी अमला और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या इन लोगों के लिए उपाय करते हैं। मैं मुन्ना अंसारी, लालकुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।